अगर आपने वन प्लस का फ़ोन यूज़ किया है तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर होता है, रैम अमाउंट अच्छा होता है, जो रॉम है इसका काफ़ी ऑप्टिमाइज रहती है। सभी चीज़ें डिवाइस को बहुत ही फास्ट परफॉर्मिंग बनाती हैं। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा होता है, मेटल एंड ग्लास कॉम्बिनेशन। ड्यूरेबिलिटी चेक कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं। ओके, तो आज देखते हैं वन प्लस 7T का कैमरा कैसा है। यहाँ पे एक नया सर्कुलर डिज़ाइन कैमरा आया, इस बार ट्रिपल कैमरा है। फिलहाल वन प्लस 7T का कैमरा कैसा है, यूज़ करने में इसका एप्लीकेशन कैसा है, क्या क्या मुझे प्रोज एंड कॉन्स लगे इसमें, क्वालिटी इटसेल्फ कैसी है, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं वन प्लस 7T फुल कैमरा रिव्यू में। वन प्लस 7T के बॉक्स में कुछ अच्छे डिज़ाइन एंड कोड्स लिखे गए हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी। एक पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूँ जो यहाँ पर लिखा है, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द वेरी बेस्ट। इसका मतलब ये है कि कोशिश होती है कि जो सबसे अच्छा बेस्ट हो वो आप उसको लें। वो इसलिए नहीं है, इस फ़ोन में अभी भी वही सेंसर है सोनी IMX586 जो वन प्लस 7 और 7 प्रो में था, जो कई महीने पहले लॉन्च हुए थे। तो सेम सेंसर आपको कुछ पुराने फ़ोन्स में अभी भी हैं, जैसे कि रेडमी K20 प्रो और ASUS ZenFone 6Z। अब चूँकि सेंसर पुराना हो गया है तो वही सेंसर अब आपको काफ़ी अच्छे सस्ते बजट फ़ोन से मिल जाएगा, जो आपको 12-13 हज़ार मिल जाते हैं। सेम सेंसर है, अब थोड़ा सा सॉफ्ट एल्गोरिथम का फ़र्क होता है तो पिक्चर क्वालिटी वेरी कर सकती है। तो आई डोंट नो क्यों इन्होंने नया सेंसर नहीं लगाया, जब बजट फ़ोन के सेंसर ही लगाने थे तो एटलीस्ट सैमसंग का 64 मेगापिक्सल का सेंसर लगा लेते, जो थोड़ा एटलीस्ट ज़्यादा बेटर है जो हमने कैमरा कंपेरिजन करके देखा है। सॉरी गाइस, मुझे केस लगाना पड़ रहा है, थोड़ा बल्की लग रहा होगा आपको, देखने में अच्छा नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलरेडी क्रैक हो चुका है, वर्किंग है बट फ्रंट एंड बैक सब कुछ क्रैक हो चुका है, इसीलिए मैंने कहा था ड्यूरेबिलिटी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो इस पर यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। जो मेन सेंसर है वो अभी भी 48 मेगापिक्सल का है एंड सोनी IMX586 है, इसमें आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है, फेस डिटेक्शन आटो फोकस है। सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। अब आजकल क्वाड कैमरे का सेटअप चल गया है, लेकिन डोंट वरी, जो चौथा लेंस आजकल दिया जाता है मैक्रो लेंस का, उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके थ्रू आप मैक्रो लेंस की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। क्विकली हम कैमरा एप्लीकेशन में देख लेते हैं कैसा है, तो मैं आपको कैमरा एप्लीकेशन लॉन्च करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको वैसा ही UI मिलता है जो आपको पहले वन प्लस के फ़ोन में मिलता था। ये स्टैंडर्ड आपका फोटो, वीडियो और पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे नाइट स्केप फीचर भी है और इस तरह आप उसको स्विच कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो कैमरे के एक्स ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप अल्ट्रा वाइड फोटोज़ भी ले सकते हैं और यहाँ से आप 2 टाइम्स ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये टेलीफोटो लेंस दिया गया है। ओके, और फ्रंट में आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो, फ्लैश, और इसके थ्रू आप मैक्रो फोटोग्राफी इनेबल कर लेते हैं, उसके भी सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। एंड वीडियो में स्विच करेंगे तो आपको यहाँ पे अगेन मोड्स मिलते हैं, आप 1080p से 4K 60 FPS का वीडियो बना सकते हैं। और ऐसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो लेनी है तो आपको यहाँ पे प्रो मोड में आना पड़ेगा, JPEG बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, तो आपको JPEG 48 मेगापिक्सल करना है, तो आप यहां से 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो ले सकते हैं। रॉ मोड भी यहां पे आप कैप्चर कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो। तो ये एक इसमें डिफॉल्ट प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर 48 मेगापिक्सल लेना है तो एवरी टाइम आपको प्रो मोड पे जाना पड़ेगा। तो बहुत से फ़ोन में ऐसा ये बहुत ही कन्वीनियंट सॉल्यूशन है कि वो भी चीज़ वहीं पर दी जाती है, जैसे कि अगर रेडमी में जाएँ तो यहाँ पर डायरेक्ट 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन दिया गया है, जो काफ़ी कन्वीनियंट है। आप सभी चीज़ें स्क्रॉल करके कर सकते हैं, आपको अननेसेसरी बार बार सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। एंड कैमरे की सेटिंग, यहाँ पर स्लो मोशन का फीचर मिलता है, आप 720p और 1080p भी बना सकते हैं, 960 फ्रेम का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं, अगर आप एक्चुअल फ़ोटोज़ लेते हैं यानी कि स्टिल फ़ोटोज़ लेते हैं तो क्वालिटी कैसी आती है। तो वन प्लस 7 प्रो पे हमने देखा था सेंसर काफ़ी अच्छा है सोनी IMX586, तो क्वालिटी इटसेल्फ बहुत अच्छी आती है, डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस का फीचर दिया था, उसके थ्रू आप थोड़ा सा वाइड शॉट ले सकते हैं, और 2x ऑप्टिकल जूम का फीचर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल मोड पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे HDR इफेक्ट्स ऑफ हो जाते हैं। और अगर इसके बाद आप कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो लेते हैं जिसमें थोड़ा ब्राइट कलर होता है, तो यहाँ पे दो चीज़ मैंने नोटिस की है। सबसे पहली चीज़, अगर आप इसको वन प्लस 7 प्रो से कंपेयर करें तो फ़ोटो थोड़ी सी कम सैचुरेटेड है, पहले ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड रहती थी, कलर बहुत इन्हेंस रहते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लेकिन अगेन ये नेचुरल नहीं है, थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। आप कह सकते हैं 10-15% अभी भी कलर बूस्ट किया जा रहा है, जैसे कि ग्रीन ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज ज़्यादा ऑरेंज हो जाएगा, येलो ज़्यादा ऑरेंज हो जाएगा,
और ये मैंने देखा है ये उस कंडीशन में है जब आप काफ़ी ब्राइट लाइट में फ़ोटो लेते हैं, मतलब लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटडोर में फ़ोटोज़ लेते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे दिख रही है, ये मैंने नोटिस किया है। और अगर आप उसके बाद इंडोर में आके फ़ोटोज़ लेते हैं तो अगेन कलर यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा नेचुरल आ रहे हैं, और ये मैंने देखा है डिटेल्स अच्छे हैं, क्योंकि 5.8 सेंसर, जो 5.86 सेंसर काफ़ी अच्छा है, तो इंडोर में फ़ोटोज़ में मुझे कलर थोड़े ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल दिख रहे हैं कम्पेयर टू अगर आप आउटसाइड लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें लो लाइट की, तो लो लाइट में ठीक है, इसमें विदाउट नाइट मोड अगर आप फोटो लेते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री है, सेंसर अच्छा है, ठीक है, लेकिन विद नाइट मोड लेते हैं तो अगेन ये वही कहानी जो सभी फ़ोन्स में होती है, थोड़ा सा आपको कैनवस जॉब लगेगा, जैसे कि पेंटिंग जैसा हो गया है, स्काई थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा वो ग्रे के बजाय ब्लूइश हो जाता है, सभी चीज़ इन्हेंस हो जाती हैं, तो नो डाउट फोटोज़ अच्छी होती हैं सोशल मीडिया के लिए, ठीक है, लेकिन अगेन पिक्सल लाइक नहीं है कि कंप्लीट नेचुरल आ जाए, थोड़ी सी नॉइज़ रहे और फिर भी क्वालिटी अच्छी लगे, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और सेल्फी की बात करें, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, अभी भी इंक्रीज़ नहीं है, और थोड़ी सी अगेन इसमें हेयर स्मूथिंग है, तो सेल्फी कैमरा सा बहुत इंप्रेसिव तो नहीं है, मैं तो वही कहूँगा जैसे पहली थी, साल भर पहले जैसी थी वैसी अभी है, कोई खास चेंज इसमें नहीं हुआ है। इस फोन में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, क्वाड कैमरा नहीं है, जैसे कि चौथा लेंस मैक्रो लेंस का होता है। तो मैं आपको एक डिटेल फोटोग्राफ लेके दिखाता हूँ दोनों फ़ोन से। अगर आप एक ऐसे फ़ोन लें जिसमें अल्ट्रा मैक्रो लेंस होता है जैसे कि यहाँ पे है, तो सब्जेक्ट के आप एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर के पास तक जाएंगे, जैसे कि ये है मिनिमम 4 सेंटीमीटर तक, यहाँ पर मैं ये मैंने शॉट ले लिया, इसके आगे जाएंगे तो फोटो थोड़ी सी आपकी ब्लर हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे वन प्लस 70 में जाऊँ तो यहाँ पे टॉप में आपको एक मैक्रो शॉट मिलती है, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर तक है, जैसे आप देख सकते हैं मैं सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज जा पा रहा हूँ, एटलीस्ट 2.5, तो आप देखिए मैं कितना क्लोज जा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप दोनों पे कंपेयर कर सकते हैं, आप ज़्यादा क्लोजअप में जा सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको एक एक्स्ट्रा मैक्रो लेंस देने की ज़रूरत है। फ्रंट कैमरे का वीडियो कैसा है ये भी आप देख लीजिए, अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा बादल हैं तो एकदम ब्राइट तो नहीं है फेस पे, बट फिर भी कलर्स, फ्रंट कैमरे का कलर एक्यूरेट आ रहा है, जैसे आपको देख रहे हैं वो जैसा मैं देख रहा हूँ मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है। फेस पे भी ठीक है, फेस डिटेक्शन है यहाँ पे, ये फेस पे आपके फोकस कर रहा है, और डायनेमिक रेंज ठीक है, मुझे थोड़े से क्लाउड वहाँ ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, थोड़े से हल्का सा दिख रहा है यहाँ पे, और फ्रंट कैमरा एटलीस्ट ठीक है, रियर कैमरे में काफ़ी अभी भी मतलब हल्का सा ओवर सेचुरेशन किया जा रहा है, कलर बूस्टिंग हो रही, लेकिन फ्रंट ठीक है, ये तो होपफुली स्टेबलाइज होना चाहिए। 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड तक तो वीडियो स्टेबलाइज होते हैं सभी फ़ोन्स में जो फ्लैगशिप लेवल तक के होते हैं, एंड वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आप देखिए ये वाइड एंगल पे भी रिकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने स्विच कर लिया है एंड ये वाइड एंगल पे चल रहा है, अब ये हो गया नॉर्मल पे, अब देखिए ये हो गया 2 टाइम्स जूम आप कर सकते हैं, मैं दोबारा हटाता हूँ जूम पे, देखिए नॉर्मल 2 टाइम्स जूम 1080p तो ये है, आगे भी देखते हैं ये चीज़ है कि नहीं है। ये भी स्टेबलाइज होना चाहिए, बहुत साल पहले की बात है, वन प्लस 3 और 3T में ये चीज़ फर्स्ट टाइम आई थी स्टेबलाइजेशन 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड पर, तो कलर्स वीडियो में मुझे थोड़े से इन्हेंस लग रहे हैं, जैसे देखिए जो सामने पेड़ है वो उतना ग्रीन नहीं है, यहाँ पे डार्क ग्रीन नज़र आ रहा है, वो हल्का सा ग्रीन है, ब्राइट ग्रीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ब्राइट ग्रीन दिखा रहा है, तो अब थोड़ा सा कलर वीडियो में डिफरेंस लग रहा है। और यहाँ पे 60 फ्रेम पर सेकेंड में ना कोई वाइड एंगल है ना कोई आप इसमें 2 टाइम जूम कर सकते हैं। अब ये आ गया 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड, यहाँ पर भी अगेन थोड़ा सा कलर ज़्यादा दिख रहा है, एंड शेडोज़ में जाएँ तो वो जो सामने देख सकते हैं जो ट्री है थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया है, इतना है नहीं, कलर यहाँ पे बूस्ट हो रहे हैं डेफिनेटली वीडियो में, तो फ्रंट में तो इतना नहीं दिख रहा था लेकिन सेल्फी में ऐसा फील हो रहा है। और 4K में सिर्फ आप जूम ऑप्शन है, जैसे देखिए नॉर्मल जूम, तो अल्ट्रा वाइड कैपेबिलिटी सिर्फ आपकी 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड पर है। अब ये 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड है, एंड यहाँ पर भी अल्ट्रा वाइड नहीं है, सिर्फ आप 2 टाइम जूम कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, तो क्वालिटी ठीक है, 4K में वैसे भी बहुत फ्रेम होते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है, और मैं राइट हैंड से यूज़ करता हूँ तो मे भी माइक शायद दब गया होगा फ़ोन, तो आवाज़ थोड़ी सी फ़र्क पड़ रही होगी, एंड यहाँ पे भी कलर देखिए बूस्ट हो रहे हैं, तो ये आई डोंट नो वन प्लस कब ये चीज़ फिक्स करेगी। जैसे मैंने पहले परफॉर्मेंस के बारे में बताया था, तो नो डाउट अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो
फोटो प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है चूँकि लेटेस्ट प्रोसेसर है और डिवाइस ज़्यादा हीट नहीं होती, जैसे कि मैंने कुछ और डिवाइसेस नोटिस किया है जिसमें अगेन सेम सेंसर है और 855 प्रोसेसर जैसे कि Asus ZigJet, ये काफ़ी हीटअप हो जाता है यूज़ करने में। Redmi K20 Pro भी थोड़ा हीट होता है लेकिन ZigJet काफ़ी हीट होता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई हीटिंग इशू नहीं हुई क्योंकि मैंने लगभग 15-20 मिनट लगातार रिकॉर्डिंग की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि ऐसा नहीं हुआ कि कैमरा एप्लीकेशन बंद हो गया हो। तो फाइनल समरी की बात करें, ओवरऑल कैमरा कैसा है, तो मैं अगेन यही कहूँगा कि मैं बहुत इंप्रेसिव नहीं है क्योंकि सेम तरह का कैमरा एक्सपीरियंस मुझे अब बजट फ़ोन में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कैमरा ही आपकी प्रायोरिटी है तो अगर आप बजट फ़ोन में भी सेम सेंसर जाते हैं तो शायद आपको थोड़ी सी कम क्वालिटी की फ़ोटो मिलेगी लेकिन आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो एटलीस्ट कंपनी को 64 मेगापिक्सल तक का ऑप्शन देना चाहिए था, बट काफ़ी डिसेंट कैमरा है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि काफ़ी ड्रॉबैक है, सभी कुछ काफ़ी परफेक्ट आप कर सकते हैं लेकिन बस कहने की बात ये है कि वही एक्सपीरियंस आपको आजकल बजट फ़ोन से मिल जाता है, तो उसके लिए प्रीमियम प्राइस आप क्यों पे करें। ऑब्वियसली अदर फीचर्स आपको मिलते हैं लेकिन सिर्फ कैमरा एक्सपीरियंस के लिए आप आजकल मिड बजट फ़ोन में भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं। तो एनीवे गाइस, ये था OnePlus 7T कंप्लीट कैमरा रिव्यू। स्टिल कोई कंसर्न क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।